असम में एनआरसी पर बिखरी रार और तकरार के बीच पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एनआरसी है क्या। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मकसद था अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान। पहली बार 1950 में एनआरसी जारी की गई, उसमें जिनका नाम था वो और उनके उत्तराधिकारी देश के नागरिक बने। 24 मार्च 1971 तक वोटर लिस्ट में जिसका नाम वो भी नागरिक, या उस वक्त तक जिनके पास भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे कि वो खुद को भारत का नागरिक साबित कर सके, उनके नाम भी एनआरसी में शामिल हुए। दरअसल असम की राजनीति पर निगाह डालें तो अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा वहां लगातार चर्चा में रहा है। घुसपैठियों के सवाल पर चुनावों में जीत और हार तय होती रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार एक्टिव रही। असम में जब बीजेपी की सरकार बनी तो इसमें इस मुद्दे का भी बड़ा हाथ था, लेकिन अब वो मौका आ गया है जब 40 लाख लोगों की किस्मत तय होनी है। ये तय होना है कि वो देश के नागरिक हैं या नहीं। पूरा बवाल इसी सवाल को लेकर है। जिन लोगों की पीढ़ियां गुजर गईं और किसी कारण से उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज होने से छूट गए, उनका क्या होगा? क्या वो एक झटके में विदेशी करार देकर देश से बेदखल कर दिए जाएंगे? केंद्र का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे तमाम लोगों को फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 60 से लेकर 120 दिन तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी शख्स जब तक उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों को आजमा नहीं लेता, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। सरकार पूरे हालात पर निगरानी रखे हुए है। राज्य के कई जिले अति संवेदनशील घोषित करार दिए गए हैं। बरपेटा और नगांव पर खास निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।